कई बार नाबालिग बच्चों को वाहन देना माता पिता को भारी पड़ जाता है। ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जिनमें कई परिवारों को जनहानि उठानी पड़ी है। इसके बावजूद लगातार कई अभिभावक लापरवाही बरत रहे हैं। शहर के गुरुद्वारा चौराहे पर 3 नाबालिग स्कूटी पर सवार होकर फर्राटा भर रहे थे। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव का कहना है कि तीनों नाबालिगों को स्कूटी के साथ रोक कर पूछताछ की गई। नाबालिग वाहन चालक ने बताया कि उनका नाम हिमांशु राठौर है, जिसकी उम्र 12 वर्ष है। वो खेड़ापति कॉलोनी में निवास करता है। अपने 2 पड़ोसियों के साथ स्कूटी पर सवार होकर घर से निकला था। वहीं पुलिस के पकड़े जाने के डर के साथ नाबालिग बाइक सवारों को पिता का डर भी सता रहा था। हिमांशु इस बीच यातायात प्रभारी से छोड़ने और वीडियो न बनाने की मिन्नतें करते हुए दिखाई दिया। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव का कहना था कि आगे इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए परिजनों तक बात पहुंचनी जरूरी थी। यातायात प्रभारी ने स्कूटी अपने आरक्षक को सौंप तीनों नाबालिगों को वाहन में बैठा कर घर छोड़ने पहुंचे, जहां हिमांशु की मां ने बताया कि वो खाना बनाने में व्यस्त थी। हिमांशु स्कूटी की चाबी लेकर कब अपने दोस्तों के साथ निकल गया, उन्हें इसका पता ही नहीं लगा। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव का कहना था कि इस तरीके से अभिभावकों की लापरवाही कई बार भारी पड़ सकती है और ऐसे में हादसे भी हो जाते हैं। कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जिनमें नाबालिगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अभिभावकों को वाहन चलाने की अनुमति नाबालिगों को नहीं देनी चाहिए। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।